करने से पहले आपको क्या करना है यू नो इट वेरी वेल अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट फ़ड़ से लाइक करो शेयर करो और कमेंट तो करना है कमेंट तो मेरे मतलब बोलते दाना पानी है मेरा कमेंट तुम्हारे कमेंट आएंगे तो मुझे एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जी मिली तो इसी तरीके से मैं अपनी एनर्जीज तुम तक सेंड करती रहूंगी और इसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगी ट so, स्टार्टेड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट फ्लाइट जो हमारा आ, बुक है उस बुक का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट की बुक का फर्स्टर हमने ऑलरेडीट कर लिया एंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पता है ये क्या है ये क्यों दिया है कभी तुमने जो मतलब इतना जोर डाला दिमाग पे इधर उधर की बातों पर तो उसने ऐसा क्यों कहा कैसे कहा हिम्मत कैसे कर दी उसने सोचते पढ़ाई में क्यों नहीं सोचते हो पढ़ाई में सोचो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्यों लिखा है Because it's an extract जो आपको पढ़ाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर वो एक extract है है किसमें से लिया गया है? उनकी autobiography, उनकी लिखी हुई book, Long Walk to Freedom. हम लोग करते हैं और वन शॉर्ट के साथ में तुम्हें भी इसे like करना है सो हेर इज पिक्चर एंड इट इज इट अबाउट द बुक ये है बुक का फ्रंट कवर एंड डों बुक नॉट ऑलवेज अच्छा, so मुझे इसी बात पे बताओ। अगर कभी ऐसा आ जाए, एकदम जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में खड़गा दो फटाफट -फड़ से बारिश कर दो इनके पूरे नाम की मैंने यहाँ पे मिडिल नेम नहीं लिखा है जानबूझ के नहीं लिखा है ताकि आप बताओ कि इनका पूरा नाम क्या है नेल्सन मंडेला जो है ये है हमारे ऑथर इनके बारे में सब जने जानते हैं एवरीबडी नोज अबाउट है। अब देखो बात यहाँ आती है कि हम जब हमारे हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं दैट मीन्स इंडिया की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं इंडियन लीडर्स के बारे में बात करते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं तो हमने बहुत सारी चीजें सुनी हुई होती हैं और हमारे अंदर जैसे ही इन सारी बातों की बात आती है फिफ्टीन अगस्त करीब आ रहा होता है छब्बीस जनवरी करीब आ रहा होता है या कोई भी ऐसी चीज होती है तो हमारे अंदर में जाग उठता है और हमें याद आता है कि किस तरह गोरो ने गोरो ने हमें सताया था इतने सालों तक हमें एक्सप्लॉइट किया था शोषण किया था लेकिन क्या गोरो ने सिर्फ इंडिया को ही एक्सप्लॉइट किया था नहीं तो उसी तरीके से यहां पे एक चैप्टर आता है नेल्सन मंडेला की बुक में से लिया हुआ है ये चैप्टर जो अपनी उनकी ऑटोबायोग्राफी अच्छा पहले तो टर्म्स आते हैं आपके लिए दो एक होती है ऑटोबायोग्राफी एंड एक होती है बायोग्राफी एक क्या है ऑटोबायोग्राफी एंड एक है बायोग्राफी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अगर पता है तो फटाफट -फड़ से लिख दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो क्या है ऑटो और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस है चलो मैं बताती दोस्ती का मैं यहाँ पर हिसाब कर रही हूँ मैं बताऊंगी अभी ताकि आगे जो क्वेश्चन ले आई हूं मैं तुम्हारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर तुम दोगे सो so, देखो बायोग्राफी क्या होती है वो होता है जिसमें मेरी लाइफ में समझ लीजिए मैं ना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जिसके बारे में मैं सबको बताऊँ ठीक है तो हम लेते हैं जैसे बात करते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में या एम एस धोनी उनकी बुक भी ब, बुक ब, लिखी हुई थी उसके ऊपर मूवी भी बनी आप लोगों ने देखा ही है तो मैं यहाँ एग्जाम्पल ले रही हूँ सचिन तेंदुलकर की सचिन तेंदुलकर ने अपनी बुक अपने आप लिखी है तो वो होता है ऑटोबायोग्राफी लेकिन अगर एम एस धोनी की जो लाइफ के एक्सपीरियंसेज हैं उनके ऊपर किसी और ने बुक लिखी मतलब एम एस धोनी ने अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसिस हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो किसी से शेयर करे और उस राइटर ने लिखा है तो वो हो जाता है बायो राइटर बन तो मैं लिख, तो क्या होगा? किया और मेरी लाइफ में बहुत सारे डाउन थे फिर भी मैं इतने अच्छे तरीके से यूट्यूब पे क्लास लेती थी, थी बिकॉज मुझे वहाँ बच्चों से प्यार मिलता था मैं अपनी पर्सनल लाइफ भूल करके सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में इतना इंडल्ज होगा ये सब चीजें बताई तो आप में से कोई राइटर बना और

क्योंकि जैसे ही ऐसे चैप्टर आते हैं ना ऑटोमेटिकली एक और बन जाता है हमारे पास में सीरियसनेस का यहाँ सीरियस होने की बजाय मतलब एकदम सीरियस होने की बजाय इसको अंडरस्टैंड करो रिलेट करो कि क्या कैसे कहां पे हुआ था जितना आप सीरीज वाइज चलोगे वो बोलते ना क्रॉनिकल ऑर्डर को फॉलो करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है अब जो ये चैप्टर है वो तो स्टार्ट होता है नाइनटीन के टाइम पे यहाँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आएगी आपके लिए टेंथ मे नाइनटीन नाइनटी फोर ओके होता वहां से स्टार्ट

में एक है, क्या होता है? फैल चुका है ये मैं कह सकती हूँ कि कोई गोरा है कोई काला है तो हम ना फटाक से मतलब उसके स्किन कलर पे हम बोलते हैं हम उसके बाकी कोई एस्पेक्ट नहीं देखते हैं कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं देखते है. अरे वो कालू वो कालू नाम रखने लग गए थे वायसो मतलब ये ये चलने आ गया था ये प्रचलन होने लग गया था एंड

ठीक है इसके साथ साथ में अच्छा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो था ही था उसके अलावा भी और सारी चीजें तो थी ही लाइक जैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात की जाती है इक्वालिटी की बात की जाती है हम बाकी सारी जो चीजें डिस्क्रिमिनेशन में देखते हैं भेदभाव जो है वो सारा चल रहा था लेकिन वहां पर उठना बैठना मतलब अगर कोई वहां पर व्हाइट बैठा है तो ब्लैक नहीं बैठ सकता है जाकर के उनकी सारी चीजें पार्टी करने की चीज जगह अलग होती थी उनके खाने पहनने कपड़े सारी चीजों में उनके डिस्क्रिमिनेशन था मतलब मैं लिस्ट बताऊंगी ना तो लिस्ट के कारण है तुम्हारा खून खोल उठेगा कि ऐसे थे गोरे यस व्हाइट ऐसे थे अब यहां पर सिस्टम लागू हुआ उसकी वजह से क्या हो गया साउथ अफ्रीका को आउटलॉ कर दिया गया

हेल्पफुल फॉर यू हम स्टार्ट करते हैं आगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यहां आप लोग देख पा रहे हैं कि कैसे जो नेल्सन मंडेला है उनके बारे में बताएंगे धीरे धीरे यहां इसी इसी तरीके से मतलब एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मैं पूरा चैप्टर समझा दूंगी जो आप सर पकड़ के बैठ जाते हो ना हाँ, मैम ये हिस्ट्री क्यों है कुछ नहीं है इतना हिस्ट्री है ही नहीं जितना लोड तुम ले रहे हो तो मैं यहाँ पे ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक और लास्ट बात बता देती हूँ अपार्टेड सिस्टम था जरूर से फिर हमने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर ली हमने उससे पहले तीन साल तक किन का रूल रहा उनकी बात कर ली नाइनटीन से पहले और और लास्टली ये भी बता कि हूं मंडेला जैसे गांधी जी गए थे जेल गए थे, भगत जी थे, जेल थे उसी तरीके से, सबसे हसीन जो काल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ ही स्पेंट इन जेल और वहां से भी बट ही कंटिन्यूड उन्होंने हार नहीं मानी थी हम तो एक बार घिर गए तो दूसरी बार उठने का नाम नहीं लेते हैं सोचते हैं नहीं फिर से घिर जाएंगे तो क्या लेकिन सोचो इन्होंने जेल में रहते हुए भी ये सारी चीजों को कंटिन्यू रखा अपने अंदर जुनून बनाए रखा तो जुनून बनाकर रखना है तुम्हें कि इस चैप्टर को हम कर लेंगे तो 27 इयर्स तक वो क्या हुए थे ही वाज प्रिजेंट यहां पर बात खत्म होती है बैक टू द पार्ट हियर देखो ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है

एक तरीके से माहौल ऐसा गर्माया हुआ था कि सब जने चाहते थे कि मंडेला को फ्री किया जाए मिस्टर नेल्सन मंडेला को जेल से रहा किया जाए ये उस वक्त का माहौल था अब आते हैं अपार्थाइड सिस्टम जैसे मैंने बताया आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है ब्लैक और व्हाइट के बीच में एएनसी फुल फॉर्म याद रखिएगा इसका डेफिनेटली काम आएगा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी इसके लीडर कौन थे इसके मेन लीडर ही मंडेला मतलब ये कह सकते हैं मिस्टर नेल्सन मंडेला की पार्टी कौन सी एएनसी और यहां पे उस वक्त कब 1994 की बात करें अगर तो उस 1994 के साल में इतिहास रच गया था बिकॉज़ इट वाज रिटन इन गोल्डन Let us dare, क्योंकि 400 सीट में से आउट ऑफ 400 252 सीट्स वर एंड बाय एएनसी यानी जहां इतने सालों से व्हाइट का राज चल रहा था वहां पे उनमें 400 सीटों में से 252 सीट्स यानी कि मोर देन हाफ हो गया 50 परसेंट से ज्यादा सीट्स किसके पास में आ गई एएनसी और एएनसी जीत चुका था मूविंग अहेड सेंचुरी की बात करते हैं हम यहाँ पे ट्वेंटी अगर हम ट्वेंटी को दो डिकेट्स में डिकेट में की बात करें यानी जो शताब्दी है उसका पहला जो दशक है और जो अंतिम दशक है उसकी बात करें तो जो पहले दशक है जब नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था वो दशक होता है और लास्ट जहां पे सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया मिस्टर नेल्सन मंडेला ने हां जी तो जो फर्स्ट डिकेट की

सिस्टम के इस तरीके से जो लैंड ब्लैक्स का है जो लैंड अफ्रीकन का है उस लैंड पे किसका राज रहेगा वाइट्स का राज रहेगा ये इस तरीके से यहां पे इस बौर बौर में आ, मतलब हो गया था बात बट अगर हम लास्ट डिकेट उसी ट्वेंटी सेंचुरी की लास्ट डिकेट की बात करते हैं तो जब वहां पे सारा सिस्टम क्या हो गया है सिस्टम गड़बड़ा गया था सिस्टम चेंज हो रहा है सिस्टम ओवर फॉर एवर बिकॉज नेल्सन मंडेला बन चुके थे फर्स्ट ब्लैक अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ दैट बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पे दैट इन्होंने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल uh, किया वो सारी चीज़ें उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये मेरे स्ट्रगल से ही मैं जीत गया उन्होंने बहुत सारे नाम लिए थे उन सारे इंपॉर्टेंट पर्सन के नाम मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे बट आगे बढ़ते हैं यहाँ लेट्स स्टार्ट विद टेंथ मे नाइनटीन अरे भाई ए चला दो इतनी गर्मी मुझे पेट्रोटम से आ रही है ऊपर से यहाँ पे ए भी थोड़ा सा टेम्परेचर ना कम कर रहा है क्या बात है गर्मी ना लगे हमें सो so, में 1994 को क्या डिक्लेर हुआ था डेमोक्रेटिक इलेक्शन एनसी ने जीत लिया था टेंथ में 1994 uh, को इनोग्रेशन सेरेमनी थी ये जो इनगरेशन सेरेमनी थी वहां पर 140 प्लस कंट्री के पॉलिटिशियंस लीडर्स वर्ल्ड से आए थे और एक लाख से ज्यादा लोग एक लाख से ज्यादा लोग चाहे उसमें व्हाइट का हो चाहे ब्लैक का हो चाहे कलर्ड का हो उन्होंने वो अटेंड किया था सो दैट्स वाई इस दिन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है टेंथ में 1994 क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था और इस डेमोक्रेटिक इलेक्शन से पता चल गया जीत चुकी है और हुई थी वहाँ पे, लीडर से जिनका नाम क्या नेल्सन मंडेला है वो वहां पर थे, थे उन्हें फादर ऑफ द नेशन घोषित किया गया एंड ही वॉज द फर्स्ट ब्लैकेंट सारी

1994 यहाँ पे जीता एनसी के बारे में बात हुई थी फिर इनोग्रेशन की बात हुई थी उसके बाद में यहाँ पे बताया किसके बारे में के बारे में और ये यूनियन बिल्डिंग इन पेरेटोरिया वॉट वॉज दैट ये वो जगह थी एक ओपन थिएटर है ये ओपन एयर थिएटर क्या होता है जहां पे छत नहीं होती है सीढ़िया यानी स्टेयर्स के हिसाब से वहां पे बैठने का पूरा सेटिंग होता है और वहीं पे सब जने बैठते हैं सो इट वाज एन ओपन एयर थिएटर और ये जगह क्या है यूनियन बिल्डिंग्स इन फ्रेटोरिया बहुत इंपॉर्टेंट जगह है आपको याद रखनी है टेंथ मे के रिलेटेड जगह बता दी क्या क्या हुआ वो सारी बात बता दी लेट्स मूव अहेड अब हम बात करते हैं जो ये मैंने ये देखो ये रहा ओपन एयर ओपन एयर थिएटर दिस इज पिक्चर्स भी सिर्फ तुम्हारे लिए और क्या हुआ था ये सारी चीज मैं बता चुकी हूं आपको इसके साथ ही साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे यहां पे भी 26 जनवरी को और इस तरीके से आ, हम लोग देखते हैं स्मोक्स के थ्रू जेट्स जो होते हैं और इंपाला जेट्स की बात करें अगर हम तो इस तरीके से वो क्या करते हैं अपने कर्तव्य दिखाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है हम बहुत आ, खुश होते हैं वी लाइक फील इट एंड वी फील गुड वेरी गुड बट वट इज दैट एक्चुअली हैव यू एवर टू गेट द मीनिंग दट वाई करते हैं वो विश्वास जताने

होता है बस यही हुआ था शेवरन पैटर्न शेवर पैटर्न मतलब वी पैटर्न यू कैन सी हियर ये तो मैंने इंडिया का लिया है बट इंडिया का नहीं यहां पे फ्लैग किसका था साउथ अफ्रीका का अब यहां आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इसके अंदर जो स्मोक है उसका ऑर्डर क्या था ये ऑर्डर याद रखना आप क्या ऑर्डर था ब्लैक था रेड था उसके बाद ग्रीन एंड उसके बाद में गोल्ड ये आपको याद रखना है सो so ये आपके लिए पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है उसके कारण ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू एंड गोल्ड इस तरीके से आपको याद रखना है पूरा ये शेवरन पैटर्न के फॉर्म में यानी वी शेप में स्मोक्स निकल रहे थे

ंडेला के साथ में वहां पे कौन थे नेल्सन so, मंडेला के साथ में उनकी डॉटर डॉटर का नाम जिक्र किया गया है इसमें जिनानी नाम है इनका शी अकम्पेड शी अड उन वो यहां पर है किनके साथ में नेल्सन मंडेला के साथ में है का जिक्र हुआ है सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट की सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट कौन थे जिन्होंने शपथ ली फर्स्ट स्वन इन एज सेकेंड सबसे पहले किसने शपथ ली तो मिस्टर डी क्लार्क ने मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली थी और वो बने सेकेंड डेप्यूटी प्रेजिडेंट फिर उसके बाद में ली फर्स्ट डिप्यूटी

चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम जब हमने ये पूरी सीरीज जान ली उसके बाद में हम बात करते हैं दैट um, को क्या किया था आउटलॉ मैंने आपको बताया आउटलॉ करा क्यों किया था बिकॉज ऑफ दिस अपार्थेड सिस्टम क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज ने कह दिया कि या उनके साथ में जो भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बने हुए थे उन्होंने उसको टाई को क्या कर दिया था ब्रोक कर दिया था बट अब सब कुछ चेंज होने वाला है तो जैसे जैसे चेंजेस आए वैसे वैसे सारे जने उनके साथ साथ में आगे आकर के हाथ मिलाएंगे इट वॉज द विक्ट्री ओवर अपर्थ दीज ऑल आर सिंबल की जो जीत है वो जीत किसकी थी पूछ लिया जाए कि जब वो प्रेजिडेंट बने इफ द क्वेश्चन इलेक्शन एंड ही वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट वॉट इट रिप्रेजेंट इट रिप्रेजेंट दिक्ट्री ओवर अपड लिखना जरूर इसी में आपको और वो भी आप लोग किसमें इन्वर्टेड कॉमर्स में करके लिखोगे हाईलाइट करके लिखोगे इसी में फ्लैट हो जाएगा तुम्हारे एग्जामिनर तुम्हें पूरे देंगे so the victory over apartheid. And what he achieved, उन्होंने कहा ये एक political emancipation है मैं आपको इन सारे words की हिंदी मीनिंग भी बताऊंगी अगर आप यहां थोड़ा सा अंग्रेजी में कमजोर महसूस करते हो तो कभी अपनी कमजोरी दूसरों को मत बताओ खुद हासिल करो जीत उस कमजोरी पर और उसको स्ट्रेंथ बनाओ अपनी मैं लाए हूं आपके लिए यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिस ऑल मैं समराइज कर दूंगी उसके बाद में आपको बताऊंगी इन वर्ड्स का हिंदी मीनिंग क्या है बट हां आप उसका इंग्लिश मीनिंग भी याद रखना है ओके? सो पॉलिटिकल अमेंसिपेशन के बारे में भी इसका भी अचीवमेंट हुआ था विक्ट्री था साथ ही साथ में ये नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं देर आर टू पॉइंट मेन यहां पे दो चीजों के बारे में और बात की गई टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर टॉट अब मैंने दोनों चीजें यहां पे लिखी है क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना एक तरफ तो नेल्सन मंडेला ने बात की दैट एवरी पर्सन हर एक की लाइफ में ना दो ड्यूटीज होती हैं ठीक है ए, हर एक की लाइफ में क्या होती है दो ड्यूटीज जिसे हम क्या कहते हैं ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन ट्विन की की बात की गई है वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है इवन सी बी एस ई इससे रिलेटेड एक एक्सट्रैक्ट से क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी सो वट आर ट्विन ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन मतलब आपकी ड्यूटीज क्या आपके कर्तव्य क्या तो एक इंसान होता है ना समझो तुम अब एक इंसान हो तुम्हारी क्या क्या ड्यूटीज है तुम्हारी एक फैमिली की तरफ ड्यूटी है और साथ ही साथ में तुम्हारी इस धरती के लिए इस देश के लिए भी ड्यूटी है बस वही चीज बताई गई है द ट्विन ड्यूटीज में पहली ड्यूटी होती है हमें हमारी फैमिली की तरफ हमारे पेरेंट्स हमारे जो लाइक फर्स्ट फैमिली है उनके लिए और जो सेकेंड ड्यूटी होती है वो होती है हमारी कंट्री की तरफ यानी हमारा देश हमारा कम्युनिटी हम उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं मैं अपनी पुरानी क्लासेस को जब याद करती हूँ तो मुझे पता है कि मैं हमेशा स्टूडेंट्स को इस तरीके से एनकरेज करती थी कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि क्या कहते हैं कि हम तो ना आर्मी ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो हम कैसे ही हेल्प कर सकते हैं इस तरीके से देश को अगर मैंने आर्मी ज्वाइन की होती तो मैंने ज़रूर हेल्प किया होता रुको ज़रा क्या आर्मी ज्वाइन करके ही हेल्प कर सकते हो क्या तुम किसी एक बच्चे को जो बच्चा अंडर प्रवलज है जो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उसको पढ़ाने में उसको किसी ना तरीके से हेल्प कर सकते हो या पढ़ने की बात करते हैं ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि हाँ आपने पढ़ा दिया बच्चे को मतलब सल्यूट है आपने बहुत कुछ कर दिया एक लाइफ में उस बच्चे की लाइफ बना दी वह नहीं आस में अगर आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनइक्वालिटी को देख रहे हो किसी के बीच में मारधाड़ हो रही है कोई किसी को डोमिनेट कर रहा है उसको रोकते हो क्राइम को रोकते हो इनडायरेक्टली तो आप कही कहीं कहीं ना क्या कर रहे हो देश के लिए ही ही हेल्पफुल हो सो दोज हु थिंक ऑफ दैट नहीं हम कर सकते भाई मैंने तुम्हें आंसर पहले ही दे दिया तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना सालों से आ रहे हैं मेरे पास में से तो अगर आपका ऐसा क्वेश्चन था तो मैंने आंसर बता दिया है ट्विन ऑब्लिगेशन का याद रखना है पहला आपका ड्यूटी आपकी फैमिली दूसरा आपका मदरलैंड आपकी कंट्री आपकी कम्युनिटी ओके okay. फिर आती है दो चीजें और यहां पे ये दो चीजें क्या है टू एश नेशनल एंथम्स ऑन दैट डे 10th मई 1994 और ये दोनों का नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है बिकॉज़ स्पेलिंग्स में आप मिस्टेक करोगे डेफिनेटली 10th मई 1994 को दो नेशनल एंथम गाए गए थे जहां उस जिस लैंड का यानी अगर हम अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका के जो है उसे भी गाया गया साथ ही साथ में जो गोरे थे वाइट थे ना उनका भी नेशनल एंथम गाया यहां ये रिप्रेजेंट क्या करता है जो इन, मैं समझती हूं मुझे आपको बताना चाहिए इट रिप्रेजेंट्स दैट वी आर हैप्पी विद आर विक्ट्री कि हमें बहुत खुशी है कि हमें हमारा हक मिला हमें हमारी फ्रीडम मिली लेकिन हम कहीं पर भी दूसरों को लज्जान्वित महसूस नहीं करवा रहे हैं उन्हें इन्फीरियर फील नहीं करवा रहे कि अः तुम्हें हमने हरा दिया नो नॉट लाइक दैट वी हैव अ टोटल रिस्पेक्ट फॉर दैम एज वेल इसीलिए ये यहाँ पे उस दिन दो नेशनल एंथम हो सकता था एक ही नेशनल एंथम यानी कि हमने हमारा फ्रीडम ले लिया है हम अभी आ, मतलब क्या हो चुके हैं आजाद हो चुके हैं तो अपना अकेले का गा लेते नहीं वहां दो आ, क्या हुए थे नेशनल एंथम्स हुए थे अब यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो गोरे थे उन्होंने गाया था साउथ अफ्रीका का जो गोरे थे उन्होंने किसका गाया साउथ अफ्रीका का गाया था और जो ब्लैक्स थे साउथ थे, उन्होंने वाइट का जो फॉर्मर साउथ अफ्रीका का एंथम uh, था नेशनल एंथम, उसे गाया था। एंड क्लियरली अगर हम बात करें नोकोसी की बात करें तो नोकोसी की बात करते हैं तो इट वॉज सेंगे जबकि ये था किसका एंथम ये था साउथ uh, अफ्रीका का और डाई जो डाई क्या था

इस तरीके के इवेंट को देखते हो या आप परेड वरेड देखते थे जैसे हम लोग नेशनल ने, हमारे जो नेशनल ओकेजन होते हैं उस दिन देखते हैं वो वाला ही रिकॉल हो गया अब हम बात करते हैं जब नेल्सन मंडेला जी कहते हैं वो कहते हैं कि जब मैं बच्चा था तब मेरे लिए फ्रीडम क्या था जब मैं बड़ा हुआ तब मेरे लिए फ्रीडम क्या है और जब मैं एक मेच्योर पर्सन हुआ तब मेरे लिए फ्रीडम क्या हुआ तो उन्होंने फ्रीडम को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया कितने पार्ट्स में तीन पार्ट्स में थ्री पार्ट्स इन थ्री पार्ट्स फ्रीडम वॉज डिवाइडेड द फर्स्ट पार्ट इज व्हेन ही वाज बोर्न। उन्होंने बताया कि हम बोर्न कैसे होते हैं हम, हम आजादी तो बोर्न होते हैं मतलब हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है हमारी आजादी हमारे पास में होती है इन एवरी वे दैट वी कैन है हाँ ना हमारे पास में हमारी आज़ादी होती है लाइक हम लोग अगर हम जब छोटे होते हैं मतलब इन्फेंट्स की बात करते हैं इन्फेंट्स भी नहीं तो चाइल्डहुड वाला पार, पार्ट समझ लो अगर हम तो जैसे कि आप लोगों को घूमने जाना है आप घूमने जाना मतलब कि आपको गार्डन में खेलना है तो वो गार्डन में खेलने दिया तो आप सोचते हो ये मेरी आज़ादी है वाह मैं आज़ाद हूँ आपको आपका मनपसंद खाना मिल जाता है बचपन में आप आज़ाद फील करते हो आपको आज़द करने पर आपका खिलौना मिल जाता है आप आज़ाद हो वही सारे पॉइंट्स इस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं दैट फ्री टू रन इन द फील्ड नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब मैं बचपन में जब छोटा था ना तब मुझे ऐसा फील होता था कि मैं अपने फील्ड में जो मेरे हट ममा के हट के पास में उनके मदर का हट था उसके आसपास में जो ग्रीन फील्ड है वहां पे मैं जब भाग लेता था मतलब दौड़ लगा लेता था एट टाइम आई फेल्ट फ्रीडम फिर उन्होंने कहा उसी हमारे वहीं पे हमारे विलेज में एक्सट्रीम मतलब बहता हुआ जो पानी होता है उसको तो जो एक्सट्रीम है वहां पे मैं अगर स्विम कर लेता तो मेरे लिए वो फ्रीडम था देन ही दैट फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स मतलब रात को हम लोग वो बारबिक्यू बारबिक्यू वाला सिस्टम खाते हैं ना आजकल सो दैट दार्बिक्यू और हम बात कर सकते हैं जो तंदूर डाल करके वैसे ही हम तो मक्के सेक के खाते हैं वैसे ही यहाँ पे क्या थे यहाँ पे मिलीज थी तो वो कहते हैं रात को अगर हम रोस्ट करके मलीज को खा लेते हैं तो मेरे लिए वो फ्रीडम था जब मैं छोटा था एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स तो इनके लिए ये सारा फ्रीडम था जब वो छोटे थे फिर जब वो यंग हुए एज अ स्टूडेंट वो बताते हैं तो एज अ स्टूडेंट उनके लिए क्या था उन्होंने चाहा कि मुझे और ज़्यादा फ्रीडम मिले मेरे लिए खुद के लिए उनको क्या लगा मुझे अपने लिए फ्रीडम भाई तुम भी तो स्टूडेंट हो तुम्हें क्या चाहिए कि मुझे रात को बाहर पार्टी करने के लिए दे दिया जाए मेरे लिए वो फ्रीडम है कि हाँ मेरे को बहुत फ्रीडम है मैं रात को जब चाहूँ जब आ सकता हूँ घर पे वापस लौट सकता हूँ मुझे कोई कुछ भी रोका टोकी तो नहीं है हमारे लिए वो फ्रीडम है इससे थोड़ी सी और आगे फ्रीडम कर दी जाए आपके लिए तो आपके लिए वो फ्रीडम होती है जहाँ पे आपको जो पसंद है वो घर वालों को भी पसंद आ जाए और तुम्हारी शादी करवा दी जाए ये फ्रीडम हो जाती है कि हाँ हमारी फैमिली ने तो हमें फ्रीडम दी हुई है जो पसंद है वो ही मैं घर ले आऊंगा है हाँ है ना ये ये सी तरीके से चलता नॉर्मल सबका ह्यूमन साइकोलॉजी वाली बात है तो उसी तरीके से यहाँ पे है कि जब वो स्टूडेंट थे तो उन्होंने कहा द ट्रांजिटिव फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट रात को बाहर मतलब वो मेरे लिए फ्रीडम था रीड वॉट आई प्लीज टू जो मुझे पढ़ना है वो मैं पढ़ूं लाइक सीरियसली आई एम टेलिंग यू दैट मैं मेरे टाइम की भी बात करती हूँ तो हमारे टाइम में इम्पोज किया जाता था कि आपको यही सब्जेक्ट uh, लेना है आपको यही जैसे हमारे घर में सब जने टीचर्स थे सो इट वॉज लाइक इम्पोज ऑन मी एज वेल दैट आपको टीचर बनना है राइट सो इट दे नेवर इवन लाइक उन्होंने कभी मना भी नहीं किया दे नेवर इवन रिस्ट्रिक्टेड मे टू नॉट डू दीज थिंग्स बट एनी हाउ जो आपका एनवायरमेंट होता है वो आप करने लग जाते बिकॉज इट इज द बेस्ट वे टू गो ऑन ठीक है तो वो वो कहते हैं कि मुझे जो पढ़ना था चाहे मुझे कोई भी लैंग्वेज पढ़नी है कुछ भी पढ़ना है uh, हट कर कुछ काम करना है तो वो रीडिंग वाला पार्ट भी मैं अलाउड था मुझे कर दिया गया गो वेयर आई चूज और मैं जहां जाना चाहता था वहां जा सकता था देन कम एज अंग मैन एज ए यंग मैन उनकी उनके लिए क्या फ्रीडम था जो जो कहाँ रहते थे इन जोहसबर्ग जगह का नाम याद रखना एज अ यंग मैन इन जोहन्सबर्ग ही अर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स अब जब वो यंग हुए तो उन्हें समझ में आया कि जो बचपन में उनको मिलता था वो फ्रीडम नहीं या जो उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में सोचा था कि मुझे ये लिए फ्रीडम है वो keep, मतलब अपनी जिंदगी गुजरे अच्छे से निकल जाए मैं जितना कमा रहा हूं उससे मेरा घर वालों का पालन पोषण हो जाए मैरिंग एंड हैविंग शादी हो जाए मेरी फैमिली हो बहुत ही नसीब वाले होते हैं जिनकी अच्छी शादी होती है और उनके अच्छे अच्छे से बच्चे हो जाते हैं एकदम फैमिली फैमिली गुड गुड तो उनके लिए वो फ्रीडम था एंड द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लाइफ मतलब वही फ्रीडम था कि इस लाइफ में जितने भी लॉज वगैरह हैं उनको मैं ना तोडू उन सारी चीज़ों को मैं ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए करूं लेकिन उनको जब रियलाइज हुआ कि ये जो लॉज है वो तो हमारे ही खिलाफ बने हुए हैं जो ये लॉफुल लाइफ है उसमें हमारे को तो सांस लेने की भी जगह नहीं दी गई है वी आर नॉट इवन अलाउड टू टॉक वी आर नॉट इवन अलाउड टू वॉक द वेज ऑफ वाइट तो ये उनको बहुत बुरा लगा ओके सो so, यार हमने ये सारी बातें जानी देन अब ये इनके ना मैसेजेस है दीज आर द मैसेजेस जो मैं आपके लिए कंपाइल करके ले आई हूं एक ही जगह पर यह वेरी इंपॉर्टेंट है अगर आपको पूछे व्हाट इज द मैसेज यू लाइक कभी कभी ये भी पूछा जाता है व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर राइट कभी ये पूछा जाता है व्हाट आर द मैसेजेस गिवन बाय मिस्टर नेल्सन मंडेला तो आपको याद रखना है ये सारे मैसेजेस इन एनी वे दे कैन बी आग वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन टेलिंग यू दीज आर द मैसेजेस जो आपको याद रखना है एज इट इज लाइन कैन बी आग टू एक्सप्लेन और दे दिया आपको और फिर पूछ लिया जाए कि इसका मतलब क्या है कैसे भी लेकिन ये इम्पोर्टेंट है सबसे बड़ा ओके सो फर्स्ट थिंग इज कारिज इज नॉट द एबसेंस ऑफ फ़ियर बट दाई हम क्या बोलते हैं मुझे डर नहीं लगता मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता तुम मेरे सामने शेयर ले आओ मुझे डर नहीं लगता मेरे को मेरे पापा से डर नहीं लगता भाई डर नहीं लगना अलग चीज है और डर को ओवरकम करना अलग चीज है आप डरते नहीं हो किसी चीज से ये एक अलग बात है लेकिन आप किसी चीज से पहले डरते थे और उस डर से आपने अपने आप पे काबू पाया और अब नहीं डरते हो वो अलग चीज है राइट right. सिंपल सी बात है तुमने कभी मैगी खाई नहीं लाइफ में तो तुम्हें उसका टेस्ट नहीं पता है राइट right? और अगर तुमने एक बार मैगी खा ली है तो तुम उसे छोड़ नहीं पा रहे हो लेकिन तुम उसे बाद में ड्रॉप कर देते हो वो वाला ही एग्जांपल है यहाँ पे द ब्रेव मैन इज नॉट हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर दैट फियर इसी से रिलेटेड यहाँ पे अगेन कि वो ब्रेव नहीं है वो इंसान ब्रेव नहीं है जो डरता ही नहीं है वो इंसान ब्रेव नहीं है जो डरता ही नहीं है जबकि वो इंसान ब्रेव है जिसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली है People must learn to hate. Yes, हम ना इंस्टिंक्टिवली सबसे प्यार कर लेते हैं लेकिन लोगों को यह सिखाया जाता है उन्हें बताया जाता है कि कैसे लोगों से नफरत की जाती है सो इफ दे कैन लर्न टू हेट और अगर लोग सीख सकते हैं नफरत करना दे कैन बी टॉट टू लव तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है फॉर लव कम्स मोर नेचुरली क्योंकि ये तो नेचुरल चीज है हम प्यार हर चीजों से कर लेते हैं हमारे घर में अगर पेट है और पेट दो दिन हमारे आसपास में ऐसे ऐसे मंडराता है तो तीसरे दिन हम उसे मिस करने लग जाते हैं कहाँ है पूछने लग जाते हैं तो प्यार जो नेचुरली आता है जबकि हेट करना सिखाया जाता है वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज ट गुडनेस इज अ फ्लेम वेरी इंपॉर्टेंट इट इज अगेन सारे ही इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने आपके लिए यहाँ पे टाइप करके सामने लिया हूँ ये यह यहाँ पे इम्पोर्टेंट किस लिए अबाउट गुडनेस दे आर टॉकिंग बिकॉज जब वो प्रिजन uh, में थे तो उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया कि जब मैं प्रिजन में था तो मुझे बहुत मारा जाता था बहुत मारा जाता था तो uh, इतना मारा जाता था कि जो मारते थे उन्हें जो मारपीट करते थे पुलिस ऑफिसर्स uh, वो भी एक बार दया करके थोड़ा सा रुक जाते थे और जब वो उनकी दया गुडनेस की बात कर रहे हैं ना कि उनकी वो अच्छाई देख के कि वो रुक जाते थे और वो वो भी फील करने लग जाते थे उसी से मुझे करज मिलता था एंड दैट्स वाई ही सेट दैट मैं गुडनेस इज अ फ्लेम दैट एंड दैट एंड बी हिडन बट नेवर बी एक्सटिंग यानी कि वो जो छुप सकती है that can be hidden, वो चीज जो छुप सकती है, लेकिन कभी भी वो extinguish, बुझ नहीं सकती बताए अब हम बात करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट ने जिनका नाम लिया था सबसे पहली चीज तो इन्होंने इन सारे नाम में एस यूज किया अब हम एस यूज कब करते हैं जब हम किसी चीज को प्लूरलाइज करते हैं बट डीज अदर ये तो प्रॉपर नेम है तो समझो इस चीज को क्योंकि ग्रामर के टीचर हूं तो बताऊंगी थोड़ा सा ग्रामर पार्ट भी यहाँ पे देखो उन्होंने एक तरीके से प्रॉपर नेम को क्या किया है कॉमन नेम में कन्वर्ट किया दैट शोज वॉट दैट डीज प्रॉपर नेम जो यहाँ पे नाम लिखे हैं जैसे द ऑलिवर टैम्बूज़, द सिसुलस यस ये सब एस के साथ में द चीफ ल्यूथिलस द दा यूसुफ दादूज द दा ब्रैम फिशर्स एंड द रॉबर्ट सोबरक्वर्स एस सबके आगे है तो ये एस क्यों बताया क्योंकि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक एक नहीं थे इनको देख के इनसे सीख के इनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे हो गए हैं देर आर सो मैनी लाइक देम है so like ना बोलते हैं ना कि एक एक जो लीडर है भगत भगत सिंह सिंह एक नहीं है उनको देखते हुए बहुत सारे भगत सिंह हो गए थे उसी तरीके से ये वाली बात है सो so, ये वो सारे थे जिन, जिनको इन्होंने अप्रिशिएट किया उन्होंने बोला नॉट ओनली मी लेकिन इन्होंने भी इस अपार्थ सिस्टम को हटाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है एंड ऑल द पिक्चर

एंड वट इट इज इट रिक्वायर सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन यानी ऑपरेशन मतलब क्या होता है ऑपरेशन मतलब किसी का दमन करना किसी का शोषण करना किसी को एक्सप्लॉइट करना राइट right. अगर आपने आई थिंक इन चैप्टर क्लास 8th क्लास एट में आपका चैप्टर था द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट इन इंग्लिश ओनली यू हैड द चैप्टर द ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट उस ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट में यू रेड द दिस पार्ट दैट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन एंड दैट ऑपरेशन इट इज अगेन रिपीटिंग द सेम वर्ड तो उस वक्त पढ़ा होता ध्यान से तो आज ना मैम को इतना डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी ओके okay? बट बता दिया मैंने अब याद रखना नेक्स्ट टाइम आएगा तब याद रखिएगा सो ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर्स कि ये जो इंसान है ये जो महान इंसान है महान लीडर्स हैं ऑल दीज आर व्हाई बिकॉज इनको कहीं ना कहीं ऑपरेशन का सामना करना पड़ा दे दे वर डोमिनेटेड एंड दे फेल्ट एक्सप्लॉयटेड एंड दैट्स व्हाई दे बिकेम द हाइट ऑफ कैरेक्टर्स और इसी वजह से आज वो इतने महान बने क्योंकि उन्होंने इतने साल तक इन शोषण को सहा था

जो एक्सप्लॉइट करता है मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट कि आज वो भी लिबरेट हो गए हैं जो हम पे शोषण करते थे दोज हुएट अस दे आर ऑल्सो लिबरेटेड उन्होंने उन्हें भी आजादी मिली है वो भी फ्रीडम हो पा चुके हैं

हो सकता है वो अच्छा इंसान था लेकिन जस्ट बिकॉज़ उसका ये काम है इसलिए उसे ये करना पड़ रहा था सो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन हियर एंड देन कम्स अ मैन हु टेक्स अवे अनादर मैनस फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की आजादी छीन लेता है वो क्या है वो है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड वो एक घृणा वाले जेल में बंद है खुद एक घृणा वाले जेल में बंद है यानी कि उसके जो भावनाएं हैं वो सही नहीं हैं

ओनली वे टॉपर्स एस वेल वो हाईलाइट करके लिखते हैं उसी तरीके से आपको मैं बता रही हूँ ना मैं भी तो टॉपर रही हूं तो मैंने भी ये सब खेल खेले है तो आपको भी ये यूजफुल रहने वाला है दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप दैट यू ऑल लर्न इट लव इट नाउ बी आर मूविंग फॉरवर्ड विद इंपॉर्टेंट ग्रोसरी अब देखो बोल बोल के हो गई हूँ मैं थक गई हूं लेकिन एनर्जी कब मिलेगी आपको पता है एनर्जीज भेजो फटाफट से एनर्जीज भेजो कमेंट्स भेजो शेयर करो लाइक करो एकदम उछाल आ जाना चाहिए ऐसा कुछ करके दिखाओ ताकि मेरी एनर्जी वापस से आ जाए ओके सो इंपॉर्टेंट ग्लॉसरी मैंने कहा था मैं सब कुछ ले आई हूं तुम्हारे लिए इस एक वन शॉर्ट रिवर्जन में सो so, इमेन्सिपेशन की हमने बात की दैट इज लिबरेशन मुक्ति पाना होता है जिसका मतलब अपारथेट सिस्टम आई डोंट थिंक सो so, कि मैंने इतनी बार बताया उसके बाद समझाने की जरूरत है बट फिर भी बता देती हूं रंग भेद करना बी मतलब घेर लेना का मतलब क्या होता है घेर लेना उसके लिए यूज किया जाता है मतलब आपने, आपने साथी के लिए यूज किया जाता है Then, uh, किसी की हो जाना, नुकसान हो जाना शय हो जाना रिड्यूस लैक दीज आर दर्ड्स फॉर डिप्रीवियन देन वी है अत्याचार करना ब्रूटैलिटी निर्दय बोलते हैं ना दिस वॉज ब्रूटल एक्ट अगर आपने uh, सुना होगा कभी कभी राइट्स वगैरह हो जाते हैं तो ज्यादातर न्यूज एंकर्स ये वर्ड जरूर से सुनते हैं या ब, बोलते हैं या फिर न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं ब्रुटैलिटी सीन एवरीवेयर तो ब्रुटैलिटी थोड़ी थोड़ी सी चीजें ना अगर आप अवेयरनेस के साथ इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप कहीं पर भी देख सकते हो कहीं से भी सीख सकते हो मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगी आप सोचोगे येस हमने कभी सोचा क्यों नहीं अरे क्योंकि तुम पहले मैम से नहीं मिले थे अब मिले हो ना तो थोड़े से अवेयर होकर इंग्लिश को देखोगे प्रेजुडीज अगर आपने

ज आई प्रोमिस एंड आई लव दिस पार्ट ये पार्ट मेरे में एनर्जी ले आता है और आई थिंक आप भी अपनी एस एस होकर बैठ जाते हो पहले तो थोड़े थोड़े ऐसे और होते हो फिर एस एस होकर बैठ जाते हो बोलते मेरा नाम मैम लेंगी क्लास में डेफिनेटली डेफिनेटली सब कुछ होगा डोंट यू वरी बट राइट नाउ यू हैव टू गिव दी आर यू रेडी यस सो शेल वी स्टार्ट विद दिस This is, it is a victory. First question you have, and the question says, it is a victory for human dignity. क्या है क्वेश्चन दैट इट इज अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी एंड ये क्वेश्चन आई टेल यू दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर क्वेश्चन बैंक जो पिछले क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में आपके दिया हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज एंड इट से फॉलोइंग ऑप्शन इंक्लूड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डिग्निटी कौन से जो एस्पेक्ट्स है ह्यूमन डिग्निटी में आते हैं वो सारे के सारे करेक्ट हैं एक ही ऑप्शन है वो ओके नॉट मोर देन वन ऑप्शन ए इक्वालिटी लिबर्टी इंडेन्सी be liberty indecency अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ indecency indecency डिसेंट होना मतलब क्या होता है सौम्य होना सुशील होना उसे डिसेंट कहा जाता है indecency मतलब आप कोई काम जो है वो सही तरीके से नहीं करते हो जिसे आजकल आप एक वर्ड सुनते हो दृष्टता विकेड तरीका विकेड दृष्टताज से कहा जाता है विकेड कहा जाता है ऑडेसिटी को भी कह सकते हैं ऑडेसिटी ये सारे वर्ड्स किसके लिए हैं दीज ऑल वर्ड्स फॉर सो बी ऑप्शन इज लिबर्टी सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट इक्वालिटी एंड इक्वालिटी लिबर्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट विच वन इज द करेक्ट टेल मी फटाफट से आई होप कि आपने जरूर से कमेंट सेक्शन भर दिया होगा अभी तक जल्दी से आपको आंसर देना है इस फर्स्ट क्वेश्चन का मूविंग अहेड विद द सेकंड क्वेश्चन विद फुल एनर्जी यू हैव टू आंसर मी वाई डिड द अदर कंट्रीज ब्रोक ऑफ द डिप्लोमैट रिलेशन विद साउथ अफ्रीका क्यों साउथ अफ्रीका के साथ में जो दूसरे कंट्रीज है उन्होंने अपने रिश्ते तोड़ दिए थे राइट right? तोड़ दिए थे क्यों तोड़ दिए थे बताना है आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये आपके सामने ओके सो दिस क्वेश्चन नंबर वेपन विच इज द करेक्ट आंसर टेररिज्म अपार्थिक पॉलिसी कौन सा करेक्ट है आपको बताना है एन कमेंट सेक्शन एंड मूविंग अहेड विद आर क्वेश्चन नंबर थ्री

Goodness, love, humanity, and mankind. Which one is correct according to you? Give the correct answer A, B, C, or D. Okay. Moving ahead with the last question, and that last question is.

नॉट ऑलवेज यू विल बी आग एम सी क्यूज आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं सो हेयर आर सम क्वेश्चन फॉर यू ओनली अ लव फ्रॉम माई साइड हाँ मेरी तरफ से ये लव टोकन है आपके लिए दिस इज अ लव टोकन फॉर यू वाई सो क्योंकि आपको एग्जाम में लिखने का है स्टोरी सुन के जाने से आपका आंसर आप लिख पाओगे क्या आपके पास में वहाँ इतना टाइम होता है टू राइट योर ओन आंसर स्ट्रैटेजिकली चलना है और स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे तभी नहीं आप आ रहेगी यहाँ क्वेश्चन आता है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड टू यू विच आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर टर्म वर्क फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स इवन देखते हैं क्वेश्चन क्या है मंडेला सेज दैट हिज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल एंड नॉट द प्योरेस्ट डायमंड्स मंडेला ने मिस्टर uh, मंडेला ने इस चैप्टर में कहा है कि साउथ अफ्रीका में माना कि साउथ अफ्रीका में मिनरल्स बहुत अच्छे हैं जेम्स बहुत अच्छा है सब कुछ अच्छा है लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे हैं दे आर दी डायमंड तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना होता है जो हम डिटेल क्लासेज में और हमारे पेड कोर्सेज में वन टू वन लाइन का डिस्क्रिप्शन देखते हैं आंसर्स देखते हैं शन देखते वहां पे अच्छे से करते हैं हम ये वाला पार्ट इफ यू नो द आंसर यू नो राइट Yes, like that. If you know, you know that. So justify करना है ये statement. It can come in a, like a, आपके a four to five marks वाले question में आ सकता है आपके. Next is twin obligations. I told you about this in this class as well. What twin obligation does Mandela mention? कौन सी twin obligations है? Detail में आता है अगर तो उसे explain करना है. And if it comes for short question, तो आपको सिर्फ बताते हुए आगे बढ़ जाना है that these uh, two twin obligations were told by Mr. Mandela. Next question. How did Mandela's uh, understanding of freedom change with age and experience? एज और एक्सपीरियंस के साथ में कैसे उनका एज और एक्सपीरियंस के साथ में कैसे उन्होंने सोचा कि फ्रीडम अलग अलग है हर एक स्टेज stage पे स्टेजेस ऑफ लाइफ फेजेस ऑफ लाइफ तो है हमारे लिए एक्सपीरियंस अलग हो जाता है हमारे लिए आज़ादी अलग अलग मीनिंग रखती है तो क्या क्या है वो वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं आई होप दैट यू आर गोइंग टू राइट योर आंसर्स ऑन योर वे एंड विल हेल्प यू अलॉड सो आई थिंक कि ये क्यूट सी जो यहाँ पे आपके सामने मैं मैं नहीं मैं इसकी बात कर रही हूं मैं क्यूट लगू तो बता सकते session, as as can, अगर आप इसी तरीके के और वन शॉर्ट वीडियो चाहते हैं डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे वट एवर यूर नीड्स यू थिंक दैट शुड बी प्रोवाइडेड फ्रॉम माई साइड आई एम फॉर यू ओनली मेरा प्यार है आपके लिए मैं हमेशा आपके लिए खड़ी हूं जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूं द जस्ट आस्क फॉर योर थिंग्स विच इज द रिलेवेंट थिंग्स यू कैन आस्क फॉर और मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊंगी ऑन दिस चैनल ओनली एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय थैंक यू